जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर यानी कि टाटा स्मारक केंद्र नई भर्ती 2022-2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी एक परमानेंट भर्ती है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी भर्ती किन पोस्ट पर निकाली है, कितने पद है, ये जानकारी भी आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 405 पद निकाले गए हैं जिसके फॉर्म आप लोग 10 जनवरी 2023 तक भर सकते हैं। एंड यहां पर एलडीसी के लिए 18 पद है, अटेंडेंट के लिए 20, ट्रेड हेल्पर के लिए 70, नर्स ए के लिए 212, नर्स बी के लिए 30 और नर्स सी के लिए 55। और कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एलडीसी की पोस्ट पर ग्रेजुएट की योग्यता आपसे मांगी है एंड यहां पर साथ ही आपके आपसे एक साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है। अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और आपसे एक साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि फिलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्पैच वर्क, ऑपरेटिंग फोटोकॉपी मशीन, हेल्पिंग इन ऑफिस वर्क, डस्टिंग एंड क्लीनिंग इसके अंदर होना चाहिए, जो कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। ट्रेड हेल्पर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं और साथ ही एक साल का एक्सपीरियंस इनमें से किसी डिसिप्लिन में यानी कि इनमें से किसी फील्ड में, जो कि यहां पर आपको दिए गए हैं। नर्स ए, नर्स बी और नर्स सी पर अप्लाई करने के लिए आपसे जीएनएम की योग्यता मांगी है एंड जो अन्य एलिजिबिलिटी है यानी कि अन्य चीज़ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपसे अलग से 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मांगा या फिर अन्य आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो फिर आप इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो ये सब जानकारी आपने चेक कर ली है, यहाँ पर आपने आपकी एज लिमिट और सैलरी के बारे में जान लिया है, फीस के बारे में जान लिया जो कि SC ST विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अब आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहां पर सबसे पहले TMC या एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं और कहां पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर आपको पोस्ट का नाम दिए और ये बताया कि वो पोस्ट कहां पर है, तो जैसे कि मैं अटेंडेंट पर अप्लाई करता हूं तो मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी उस पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर यू बिलोंग्स टू, आप कहां से, आपकी कैटेगरी SC है, ST है, OBC क्या है, जो भी है आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आता है एज, तो यहां पर ये बाद में आएगा। आप यहां पर आएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर, तो आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ये आप मिस्टर मिसेज क्या है वो आप सेलेक्ट करें एंड जो आपका फर्स्ट नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना है। इसके बाद यहां पर मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए एंड देन आप आपका लास्ट नेम यहां पर एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर फिल करेंगे, पहले आप यहां पर मंथ फिल करेंगे, फिर डे और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप फिल कर देंगे। जेंडर आप यहां पर अपना सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप यहां पर एंटर कर देंगे, नेशनलिटी के अंदर आपकी जो भी नेशनलिटी है बेसिकली इंडिया है तो आप इंडिया रहने देंगे। फिर क्या विकलांग है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको यहां पर नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। इंप्लॉय टाइप, यू आर करंटली वर्किंग इन, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं करंट में तो आप यहां पर वो सिलेक्ट कर लीजिए जैसे कि यहां पर आपको दिया गया है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप यहां पर अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है हैव यू अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन TMC, क्या आपने इसके अंदर पहले भी अप्लाई किया है, अगर हां तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आप नो कर दीजिए। पासवर्ड यहां पर आपको एक क्रिएट कर लेना है अपनी मर्जी का, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना पैन कार्ड नंबर आपको यहां पर देना है एंड ये वेरिफिकेशन कोड जो यहां पर दिया है ये यहां पर आपको फिल करना है। और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप यहां पर नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको बोला है कि आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिया है, तो आप यहां पर से ओके करेंगे। और ओके करने के बाद में आप यहां पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और आने के बाद में जो मैंने अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक दिया है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जो आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जानकारी दी गई है, पासवर्ड तो आपका वही है जो कि आपने बनाया है, वो आप यहां पर डालेंगे एंड देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे।
करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर बोला है कि आपको आपके स्टेप कंप्लीट करने हैं, तो आप यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहां पर गो टू स्क्रीन फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो कि आपने भरी है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है, जैसे कि यहां पर है मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका सिंगल मैरिड वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर आपको पेरेंट स्पाउस नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। एंड देन यहां पर आता है रिलेशन विद पेरेंट स्पाउस, यानी कि जो आपने अभी नाम दिया है वो आपने किसका दिया है, फादर का, मदर का, गार्जियन का या फिर पत्नी का। तो यहां पर जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने फादर दिया तो मैं फादर सिलेक्ट कर लेता हूं। यू बिलोंग टू रिलीजन, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। टेलीफोन नंबर कोई अन्य देना चाहते हैं यहां पर दे दीजिए। इसके बाद जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहां पर पूरा एंटर करना है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी आईडी के अंदर आपका एड्रेस दिया गया है। ये देने के बाद में यहां पर आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिटी है, तो आपकी जो भी प्रेजेंट सिटी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। तो मैं सहारनपुर से हूँ इसलिए मैं यहाँ पर सहारनपुर सिलेक्ट एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद होता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस अभी आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में फिल किया है वही एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दीजिए इस प्रकार से। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो आप एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपका नंबर, ईमेल आईडी दी गई है, इन सभी को आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद नीचे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर आता है डिग्री। तो सबसे पहले आप यहां पर एसएससी सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके, सब्जेक्ट पर क्लिक नहीं बल्कि आपको यहां पर ऑल सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। इंस्टीट्यूट कॉलेज, आपने कहां से आपकी जो दसवीं है उस स्कूल या फिर कॉलेज का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन यहां पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली आपको आपके बोर्ड का नाम देना है जिस भी बोर्ड से आपने आपकी दसवीं की है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो यहां पर आप इसमें 12 लिख दीजिए क्योंकि ये एक साल के अंदर ही काउंट होता है। कोर्स टाइप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोरेस्पोंडेंस, फुल टाइम का मतलब रेगुलर। इसके बाद यहां पर रिजल्ट अवेटेड, क्या आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पासिंग मंथ, किस महीने के अंदर आपने पास किया वो आप सिलेक्ट करेंगे और कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर यहां पर सर्टिफिकेट इनक्लोज्ड, तो आप यहां पर यस कर दीजिए कि हां सर्टिफिकेट में इनक्लोज्ड करने वाला हूं। आप यहां पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करें तो इसके बाद ये क्वालिफिकेशन आपके यहां पर ऐड हो चुकी है इस प्रकार से। अब अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि डिप्लोमा मांगा है या फिर आईटीआई मांगी या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आप यहां पर देखेंगे ऐड क्वालिफिकेशन का सेक्शन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो दे सकते हैं। जैसे कि इस पोस्ट पर सिर्फ दसवीं की योग्यता मांगी है इसलिए यहां पर दसवीं का ही सेक्शन दिया है। अगर आप अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी वो क्वालिफिकेशन यहां पर सभी दी गई होगी, पर आपको भरनी होगी ऐसे ही पहले दसवीं की, फिर उसके बाद बारहवीं की, फिर ग्रेजुएट की। एंड यही वाले ऑप्शन रहेंगे। जैसे कि अगर आप 12वीं की इंफॉर्मेशन भर रहे हैं तो यहां पर आप सब्जेक्ट के अंदर बताएंगे कि किन सब्जेक्ट में आपने की है, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स। यहां पर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना होगा, यूनिवर्सिटी में आपको आपके बोर्ड का नाम, ड्यूरेशन में आप 12th की अगर जानकारी दे रहे हैं तो आप यहां पर 24 मंथ लिख देंगे, कोर्स टाइप आप बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे कि आप अवेट कर रहे हैं या फिर आपका आ चुका है, ये आप जानकारी दे देंगे। एंड अगर आप डिग्री की जानकारी दे रहे हैं, डिप्लोमा की जानकारी दे रहे हैं, तो आप यहां पर सब्जेक्ट के अंदर बताएंगे कि आपने किस डिसिप्लिन या फिर किस सब्जेक्ट में की है, और इंस्टीट्यूट के अंदर आप बताएंगे कि कहां से आपने की है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे या फिर उसका नाम जहां से वो एफिलेटेड है। जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो आप कॉलेज का नाम तो यहां पर दे देंगे, एंड यूनिवर्सिटी के अंदर आप वो नाम देंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आप यहां पर बता देंगे एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे। इसके बाद आप यहां पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो एक्सपीरियंस होगा उसकी जानकारी आपको दी गई होगी। गैप इन एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, आपको बोला इट इज मैंडेटरी टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रूफ एक्सपीरियंस, इफ नॉट एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप यहां पर क्या करें, वेदर गैप इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्या आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर गैप है। आपको बोला है इफ देयर इज ए गैप मोर देन वन मंथ बिटवीन एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस देन रीजन फॉर द सेम हैज टू बी मेंशनड बिलो। यानी कि अगर आपके एक्सपीरियंस में गैप है, यानी कि उसके बीच में आपने समय लिया था कोई जॉब करने में, तो आपको उसका रीजन फिर यहाँ पर देना होगा। तो आपसे पूछा कि आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में गैप है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर है, अगर आप है तो यहाँ पर आप उसका रीजन दे देंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सेव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पर नीचे आइए, फिर आता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आपको उसकी जानकारी देनी है। ट्रेनिंग पीरियड विल नॉट काउंटेड एज एक्सपीरियंस, यानी कि ट्रेनिंग का पीरियड एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर आपने जॉब की है या ये जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है, एंड यहाँ पर आपको बताना कि किस इंस्टीट्यूट, किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस कंपनी में आपने काम किया उसका नाम देंगे। सैलरी ग्रेड पर आपको क्या मिलता था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेचर ऑफ वर्क आप थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि किस तरह का काम आप करते थे। फ्रॉम डेट कब से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी, डेट मंथ ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे, कब तक आपने जॉब की थी और डेट मंथ ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे। सिलेक्ट एक्सपीरियंस टाइप, किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग, तो यहाँ पर मैं नॉन टीचिंग सिलेक्ट करता हूँ। फिर आता है क्या एप्लीकेंट इज इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अगर आप है तो आप यहाँ पर उसका सिलेक्ट कर लेंगे, अगर प्राइवेट है तो आप प्राइवेट सिलेक्ट कर लीजिए। सर्टिफिकेट इनक्लोज, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। वेदर करंट एक्सपीरियंस, क्या आपके पास करंट एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना, अगर ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप नो कर देंगे, एंड आप एड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एग्जाम सेंटर का सेक्शन आ चुका है, तो आप तीन प्रेफरेंस दे सकते हैं और तीन प्रेफरेंस आपको इन्हीं सिटी में से देनी है, क्योंकि इन्हीं सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो सिलेक्ट करना है, सेकंड किसको देनी है और थर्ड किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। और फिर अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है अदर इन्फो, जहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा कि मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसमें सिलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ पर है। अगर आपके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है वो यहाँ पर देंगे, एंड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी दे देंगे। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वेदर प्रूफ ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट अटैच्ड, यानी कि जो करंट एम्प्लॉयमेंट है उसका आपके पास प्रूफ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपके पास है। इसके बाद में यहाँ पर है वेदर एप्लीकेंट इन सर्विस, अगर आप इसके हैं इसके अंदर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर आता है वेदर एप्लीकेंट इज राउटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, इफ यस सबमिशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी, यानी कि जो आप इसमें अप्लाई करें जहां पर आपने जॉब किया कि आप उससे बिल्कुल नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास है, एनओसी आपके पास है कि हाँ उनको कोई भी आपत्ति नहीं है, जहां पर जहां से आप काम करके आई है प्रॉपर चैनल में आप इसे इसमें अप्लाई करें तो आप यहां पर यस कर दीजिए। इसके बाद नोटिस रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट मेंशन ऑफ डेज, जैसे कि आपको कितना समय चाहिए अगर आप इसमें आपको इसमें जॉब मिल जाती है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो आप यहां पर इस तरह से 10 डेज 10 डेज जो भी आपको देना है कि मुझे इतना समय चाहिए वो आप दे सकते हैं, मंथ डेज के अंदर आपको देना है। इसके बाद पर्टिकुलर अबाउट पेंशन प्रोविडेंट फंड, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी देनी है तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं आप यहां पर दे सकते हैं, एंड कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने आता है रेफरी डिटेल, तो आपको आपके जानने वालों के यहां पर डिटेल देनी है जो कि आपको जानते, चाहे वो आपके फ्रेंड हो या फिर आपके रिलेटिव हो। आपको यहां पर फर्स्ट रेफरी का नाम, सेकंड रेफरी और थर्ड रेफरी, फिर उनकी पोस्ट, किस पोस्ट पर वो काम करते हैं, फिर उनका एड्रेस, फिर उनका टेलीफोन नंबर, उनका फैक्स नंबर अगर है तो दे दीजिएगा, और उनकी ईमेल आईडी। ये आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आप कोई ऐसे वैसे कैंडिडेट ना हो, और आपके कंपनी के पास आपके जानने वालों की भी डिटेल होनी चाहिए, इसलिए आपसे ये डिटेल मांगी जाती है। तो आप यहां पर उनकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और फिर सेव रेफरी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने जो सेक्शन है वो फाइल अपलोड का है, जिसमें कि आपको ये चीजें अपलोड करनी है। आप यहां पर देख लीजिए कि आपके फोटो का डायमेंशन साइज कितना रहना चाहिए, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो आप इन चीज के अकॉर्डिंग ही अपने फोटो फाइल को अपलोड कर पाएंगे। आपको सभी जानकारी दी है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, साइज कितना और पिक्सल कितना और MB कितने में रहना चाहिए। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, एंड यहां से आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फोटो फाइल अपलोड करने के बाद में आप यहां पर नीचे इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आप आपका DOB सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को, या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट को। चूज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जिससे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुए हैं, वो यहां पर आपको अपलोड करनी है। फिर जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको
आपको अपलोड करना है। अगर आप इस फॉर्म को एस सी एस टी ओबीसी से भर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। एंड इन सभी को अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस फाइनली आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर फाइनल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके या सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले फीस जमा करनी होगी तभी वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो देख लीजिए आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्रिंट डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग टाटा मेमोरियल सेंटर ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।